हेलो माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हो आप सब। ये है मेरी रिंग लाइट और इसके ऊपर की साइड से दो तीन स्टेप निकल गए थे तो आज मैंने चिपका रहे थे। दो पीस तो मैंने चिपका दिए लेकिन एक पीस रह गया, क्योंकि इन्हें चिपकाते टाइम मेरा हाथ भी चिपक गया। मेरे पास जो फेविक्विक है ये काफ़ी स्ट्रॉन्ग है और पता नहीं ये कहाँ से लीकेज हो गई और मेरी उंगलियों के बीच में आ गई, तो इससे मेरे राइट हैंड की दो उंगलियां आपस में चिपक गई। ये देखिए, मैं आपको दिखाती हूँ ये वाली। तो ये उंगलियां मेरी पूरी तरह से चिपक चुकी है। तो फ्रेंड्स, मैं कोई मजाक नहीं कर रही, सीरियसली मेरी उंगलियां काफ़ी चिपक चुकी है। अब मुझे इन उंगलियों को अलग करना है। तो आज मैं आप लोगों को बताऊँगी, यदि कभी आप लोगों के साथ भी इस तरह का हादसा हो जाता है, फेविक्विक से आपके घर के अंदर किसी भी मेंबर का हाथ या कुछ भी चिपक जाता है, तो आप उसे अलग किस तरीके से करेंगे। तो पहले हमें क्या करना होगा, पहले हमें अपने हाथ को गर्म पानी के अंदर डिप करना होगा। पहले 10 मिनट तक मैं अपने हाथ को गर्म पानी के अंदर रखूंगी। पानी इतना गर्म होना चाहिए कि हम उस पानी को सहन कर सकें। और जब 10 मिनट पूरे हो जाएंगे तब अपने हाथ को अच्छे से साफ कीजिए। अपने हाथ के ऊपर से पानी अच्छी तरह से सुखा लेंगे, फिर हम यूज करेंगे थिनर का, यानी कि नेल रिमूवर का, जिसका यूज हम लोग नेल पेंट उतारने के लिए करते हैं। इसे कॉटन के ऊपर लेना है और जहाँ से आपका हाथ चिपका है उस जगह पे ये नेल रिमूवर लगाना है। तो सिर्फ इसे लगाना ही नहीं है, बल्कि इस नेल रिमूवर को आपको उस जगह पर डालना है अच्छी तरह से, उस जगह को अच्छी तरह से कवर कर देना है जहाँ से आपका हाथ चिपका है। तो मैं इस नेल रिमूवर को लगातार अपने हाथ के ऊपर लगाऊंगी और अपनी दोनों उंगलियों को प्रेस करते हुए थोड़ा अलग करने की कोशिश करूंगी। तो आपको अपने हाथ को जहाँ से भी आपका हाथ चिपका हो, ज़्यादा प्रेशर देके अलग नहीं करना, आप हल्के हाथ से धीरे धीरे अलग कीजिए उस जगह को। तो मेरी ये उंगलियाँ हल्की हल्की अलग होनी शुरू हो चुकी है, मैं इनके ऊपर ज़्यादा प्रेशर नहीं डाल रही, हल्के हाथों से ही इन्हें अलग करने की कोशिश कर रही हूँ। अगर हम लोग ज़्यादा प्रेशर लगाकर इन्हें अलग करने की कोशिश करते हैं तो हो सकता है हमारी स्किन भी निकल आए। वैसे हम लोग इस रिमूवर को किसी बर्तन में डालकर उसमें भी अपने हाथ को डिप कर सकते हैं, लेकिन रिमूवर को बर्तन में डालने के बाद में वो बहुत जल्दी उड़ जाता है, और कॉटन में लगा करके हम लोग अपने हाथों पर रिमूवर को लगाएंगे तो वो इतना जल्दी उड़ेगा नहीं। लेकिन कटोरी या किसी भी बर्तन में आप जैसे ही रिमूवर कर डालोगे, वो 5 मिनट के अंदर अंदर उस बर्तन में से गायब हो जाएगा। तो इसलिए आप कॉटन पे ही रिमूवर को लीजिए और उससे ही अपनी उस जगह पे लगाइए जहाँ से आपका हाथ चिपका है। ये देखिए, धीरे धीरे मेरे हाथों की उंगलियाँ अलग होना शुरू हो चुकी हैं। तो मुझे इन उंगलियों को अलग करने में कम से कम 1.5 से 2 घंटे का टाइम लगा, क्योंकि मैंने इन्हें अलग करने में कोई जल्दबाजी नहीं की। अगर मैं जल्दबाजी करती तो मेरी उंगलियों को नुकसान हो सकता था, तो इसलिए मैंने धीरे धीरे इन्हें अलग करने की कोशिश की है। अगर आप में से भी किसी के साथ भी ऐसा कुछ हो जाता है तो आप लोग भी जल्दबाजी मत कीजिएगा, धीरे धीरे ही अपने फेविक्विक वाले हिस्से को अलग करने की कोशिश कीजिए और जहाँ से आपका हाथ चिपका है वहाँ पर आप लोग लगातार नेल रिमूवर डालते रहेंगे। वैसे मैंने कभी नहीं सोचा था कि ऐसी वीडियो भी मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी, लेकिन जैसे ही मेरी उंगलियाँ चिपकी तो मैंने सोचा ये हादसा किसी के साथ भी हो सकता है, और मैंने मेरी उंगलियां अलग की तो मैंने ये वीडियो बनाकर आप लोगों के साथ शेयर कर दी। तो आपको भी कभी भी कोई भी प्रॉब्लम आए तो इसी सेम तरीके से आप भी अपना इलाज कर सकते हो। तो ये देखिए फ्रेंड्स, बिल्कुल थोड़ा सा रह गया है, काफ़ी हद तक उंगलियां अलग हो चुकी है, और ये देखिए मेरी दोनों उंगलियाँ अब एकदम से अलग हो चुकी है। ये देखिए फ्रेंड्स, तो बस ये काम आपको बहुत ज़्यादा सावधानी से करना होगा और आराम से धीरे धीरे ही करना होगा। चलिए, अब ये हमारी जो जगह है ये काफ़ी हार्ड हो चुकी है फेविक्विक की वजह से, तो मैं इसके ऊपर अब लगाऊंगी हल्की सी वैसलिन। वैसलिन लगाने के बाद में ये जगह थोड़ी सॉफ्ट हो जाएगी, और आपको 2 से 3 दिन लगातार इस जगह पर वैसलिन लगाते रहना है तो आपका हाथ 2 से 3 दिन के अंदर बिल्कुल नॉर्मल हो जाएगा। तो ओके फ्रेंड्स, अब मैं चलती हूँ, आप लोगों से फिर मुलाकात होगी अगली वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।